नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। श्योपुर जिले से निकलने वाले अटल चंबल कांग्रेस वे निर्माण में श्योपुर के किसानों की भूमि अधिग्रहण के एवज में नगद मुआवजा राशि देने की मांग को लेकर किसानों ने अर्धनग्न होकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। अटल चंबल प्रोग्रेस के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में श्योपुर जिले में जहां से सड़क निर्माण हेतु सर्वे फाइनल किया गया है, वहां पर किसानों की जो भूमि आ रही है उन सभी किसानों को राजस्व विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण का नोटिस देकर सूचित कर दिया गया है, तथा राजस्व टीम उन किसानों को उनकी कृषि योग्य उपजाऊ सिंचित भूमि के एवज में ऊबड़ खाबड़ बीहड़ वाली एवं जो दशकों से दूसरे के कब्जे में है उस भूमि को देने की बात कह रही है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा विधायक ने कहा। किसान अन्नदाता होता है, वो प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का पेट पालता है। श्योपुर कलेक्टर ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। पटवारी छोटे किसानों से हटने की बात करते हैं कि तुम्हारे खेत में रोड आ रहा है। किसान बड़े दुखी हैं, पर आज जो लोकतंत्र की हत्या जिलाधीश ने की वो निंदनीय है। हम 4 घंटे खड़े कलेक्टर सो रहे हैं और पटवारी लोगों तो किसान से पैसे लेने की बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई एक बीघा जमीन खाली नहीं करेगा। जिस प्रकार सरकार आपस में लड़ाकर विनाश के रास्ते पर धकेलने का काम कर रही है, किसान संघर्ष समिति किसानों का विरोध कर रही है। किसान संघर्ष समिति किसानों के साथ विरोध कर रही है। भूमि अधिग्रहण के नियम अनुसार किसानों की जमीन रेट से 4 गुना नगद मुआवजा देने का आदेश जारी करी, अन्यथा किसान संघर्ष समिति क्षेत्रीय किसानों के साथ उनके जीवन यापन एवं परिवार के भरण पोषण के एकमात्र विकल्प है। जमीन के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर संघर्ष करेंगे। हमारा यहाँ जो चंबल एक्सप्रेस की रोड जो निकाला जा रहा है, तो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उसके बदले में ऊबड़ खाबड़ जमीन दी जा रही है। हमें केंद्रीय सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 गुना मुआवजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोड का हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए बस। और आज जो कलेक्टर साहब ने हमारा 4 घंटे से इंतजार करवाया और ज्ञापन नहीं लिया। क्या कारण रहा जिससे तुम्हें अर्धनग्न होकर शोषण हो रहा है और ज्ञापन तक प्रशासन लेने में तैयार नहीं है? और ये जो राजस्व अधिकारी है किसानों से भ्रष्टाचार, और पटवारी नामांतरणों के लिए 50,000 रुपये लेता है। जब तो नाम मेरे अभी भी एक किसान मुझे मिला है कि 50,000 के एक साल भर से वो जूता टूट चुका है और घूम रहा है, 50,000 की उसकी डिमांड है। जब तो नामांतरण आया है, हमारी समस्या थी। धरती माता से हमारा पेट भरता है और हम राष्ट्र का भी पेट भरते हैं। 4 घंटा हमने इंतजार किया जिला जिस कलेक्टर महोदय का। बताइए आप, ये किस तरह का यहाँ पे एक आंदोलन किया है? देखिए, हमारे यहाँ जो चंबल एक्सप्रेस निकाला जा रहा है, जो भूमि अधिग्रहण शासन द्वारा की जा रही है, हम जो किसानों की किसान संघर्ष समिति के माध्यम से